अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पीसीओएस ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, जो बहुत कॉमन जो है वो डिज़ीज़ है यंग जनरेशन में। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि कोई मैरिड फीमेल्स इसको फेस कर रही हैं या अनमैरिड फीमेल्स फेस कर रही हैं। हम हर एज ग्रुप की फीमेल्स जो है इसको फेस कर रही हैं, और 33% फीमेल्स जो हैं वो पीसीओएस से अफेक्ट होती हैं। और यानी इन सिंपल लैंग्वेज, हर 10 में से एक जो है फीमेल को पीसीओएस है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट पीसीओएस ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आल्सो। सो आई डिसाइड टू मेक गाइडेंस अबाउट पीसीओएस ट्रीटमेंट, डाइट प्लान एंड व्हाट इज पीसीओएस। सो टुडे इज़ आवर थर्ड वीडियो अबाउट पीसीओएस। आप जो है वो पहली दो वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे पीसीओएस ट्रीटमेंट को। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो स्टेप्स आ जाएंगे। फर्स्ट तो मेडिसन है एंड सेकंड योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिसन में आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेडिसन में हम जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जो के जितनी भी मेडिसन है जो हम पीसीओएस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें सबसे बेस्ट रिज़ल्ट हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है कि अनमैरिड गर्ल्स जो हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं कर सकती, उनको ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनको पीसीओएस है वो ये टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, और हर अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट इनको ट्राई ज़रूर करती है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको किस किस कंपनी की मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो फैमिला, उसके अलावा सेकंड जो है माइक्रोगाइनॉन है और नोवोडॉल। इन थ्री कंपनीज की आपको जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद हम जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको भी ये कन्फ्यूजन है पीसीओएस से वो अफेक्ट हो रही हैं, तो उनकी हेल्प हो सके और मे भी आपके शेयर करने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो प्रोसीजर ये है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने इस तरह से लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने जो सामने शो की हुई हैं, इसमें 21 टैबलेट्स जो हैं वो वाइट कलर की हैं और 7 टैबलेट्स जो हैं वो ब्राउन कलर में हैं। वाइट टैबलेट्स जो हैं वो आपने यानी फर्स्ट मंथ में आपने जो स्टार्ट करनी है, पहले डेली आपने एक टैबलेट लेनी है वाइट, और जब आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियड्स में आपने ब्राउन टैबलेट यूज़ करनी है जो कि आयरन की है। तो ये एक जो है वो पैक 1 मंथ का है। 1 मंथ में आपका 1 साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मंथ से आपने फिर इसी तरह एक न्यू पैक लेना है और उसको स्टार्ट करना है। इसी तरह वाइट टैबलेट्स यूज़ करेंगे 21 डेज, और 7 डेज ब्राउन टैबलेट्स यूज़ करेंगे, तो आपका सेकंड साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। देन यू हैव टू यूज़ इट अगेन इन द थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में भी इसी तरह वाइट टैबलेट्स पहले यूज़ की, पीरियड्स में ब्राउन टैबलेट्स यूज़ की जो 7 हैं। तो आपने 3 मंथ जो है वो ये यूज़ करनी है, और 3 मंथ में आपके 3 साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब इन 3 साइकिल्स को कंप्लीट करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके जो हार्मोन्स इनबैलेंस थे वो बैलेंस हो जाएंगे, और जो है हेयर ग्रोथ ऑन चिन और बॉडी पार्ट्स पे, यानी पीसीओएस में जहाँ भी आपके फेस पे हेयर ग्रोथ वगैरह हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। आगे जो है वो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगी जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस हैं। लेकिन मेरी बात गौर से सुने, मैं ये कह रही हूँ कि जो पहले हेयर्स
मौजूद हैं वो तो हैं, वो आपको रिमूव कराने पड़ेंगे, लेकिन आगे हेयर ग्रोथ जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं होगी जितनी आपको पीसीओएस जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तब है, उतनी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। उसके अलावा पीसीओएस में आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हुए हैं मैंने, आप वो देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे। और ये कि मेडिसिन तो आपने ले ली, अब बहुत सी जो है फीमेल्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैंने इतनी मेडिसिन्स ली हैं, मैंने इतनी जगह से ट्रीटमेंट कराया है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, ये है वो है, अब मैं जब भी टैबलेट लेती हूँ तो मुझे पीरियड्स होते हैं। तो देखें, मेडिसिन यूज़ करने से आपको पीरियड्स तो हो जाएंगे लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगा कि आपको बार बार जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी पीरियड्स के लिए। लेकिन अगर आप मेडिकेशन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो 80% रिज़ल्ट आपको मिल जाता है और काफ़ी हद तक आप इससे बच सकते हैं। पीसीओएस यू नो इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नॉट अ डिज़ीज़। इसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है इससे निजात हासिल करने के लिए। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन दे सकता है और बाकी कुछ मेहनत आपने खुद करनी है, और ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ ही सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा। अब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जब बात कर लेंगे तो उसमें ये है कि फर्स्ट तो ये कि स्ट्रेस कम लें, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं उतने ज़्यादा आपके हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। सेकंड ये है प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप में आपको 6 to 7 hours अपनी स्लीप लेनी है और स्लीप टाइम जो है वो अपना फिक्स रखें, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है और अगर आपकी जो है स्लीप टाइमिंग्स जो है वो ठीक नहीं है तो वो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा ये कि जितना खुश रहें उतना बेहतर है, हर डिज़ीज़ में यही कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना तो तभी आपकी मेडिसिन भी अच्छी वर्किंग करती है और आप अपनी डिज़ीज़ जो है उससे फाइट कर सकते हैं। ओके, और यूज़ जो है बैलेंस डाइट, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड और लो कार्ब फूड यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें। और ये के एक चीज़ और है, पीसीओएस पेशेंट्स प्लीज़ 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 आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन एंड अगेन के अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में शुगर को डिक्रीज़ कर दें। जितनी शुगर लो कर देंगे आप अपने लाइफस्टाइल में उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। बेकरी प्रोडक्ट्स छोड़ दें, बार बार ये जो चाय पीते हैं बार बार चीनी डाल के पी रहे हैं इसको कम करें, जितनी चीनी और ये कॉफ़ी वगैरह आप लोग अपनी लाइफ में से कम कर देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, उतने आपके हार्मोन्स जल्दी बैलेंस हो जाएंगे जैसे ही शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टीज़ हैं, उसके बाद फेनल टी आपको मैंने बनाना सिखाई है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी जो है वो डाइट प्लान जो है अपना एडॉप्ट करें, आप वीडियोस देख सकते हैं उसमें भी मैंने आपको गाइड किया हुआ है। उसके अलावा एक्सरसाइज जो है उसको अपनी रूटीन बना लें, नाइट एट नाइट टाइम 30 मिनट्स जो है एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। अब एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है आप पार्क्स में जाएं, जिम जाएं, आप अपने घर में ही अपने बेडरूम में जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर लें 30 मिनट्स की, टीवी देख रही हैं कुछ भी कर रही हैं तो आप वॉक कर सकती हैं। 30 मिनट्स एक्सरसाइज को अपना जो है वो एक गोल सेट करें, आपने हर हाल में वो ज़रूर करनी है। इंशाल्लाह इफ़ यू विल फॉलो दिस 2 स्टेप्स यू विल गेट बेटर रिज़ल्ट। और रोज़ रोज़ मेडिसिन खाना और फिर पीरियड्स होना कोई ज़्यादा वो सोल्यूशन नहीं है, अगर आप लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लेते हैं ये ऐसा तो आप बहुत हद तक इन चीज़ों से बच जाएंगे। और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको सब स्टेप्स वगैरह और हर चीज़ जो है वो क्लियर कर सकूं, तो होप आई विल डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स सो यू विल लाइक, आई होप यू विल लाइक दिस इंफॉर्मेशन, एंड इफ़ यू लाइक दिस
So like this video and please share it on social media ताकि दूसरों की भी help हो सके. And always stay happy and healthy. Allah Hafiz.